डॉक्टर कुलदीप बने आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष, गुमराह पूर्वक प्रचार से बचें, कहा डॉक्टर जसप्रीत ग्रोवर ने। डॉक्टर अमनदीप कौर ने आए डॉक्टरों का किया धन्यवाद। आईएमए की आज एक बैठक अमृतसर में हुई जिसमें कई डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में डॉक्टर कुलदीप को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी गई। डॉक्टर जसप्रीत ग्रोवर ने कहा कि कोविड व वैक्सीन को लेकर जनता गुमराह पूर्वक प्रचार से बचे। उन्होंने कहा कि कोविड कार्यकाल के दौरान आईएमए के आंकड़ों के अनुसार 734 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई। अमृतसर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप कौर ने आए हुए सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया। वैक्सीनेशन दे लोगों को प्रेरित करिए। दूसरा साड़ा मिक्सोपैथी का अगेंस्ट है, जिहड़ा कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने नोटिफिकेशन कढ़िया 20 जून में, बई जिहड़े आयुर्वैदिक डॉक्टर्स ने उन्हां नूं पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी का कोर्स शॉर्ट जिहा करा के उन्हां नूं लोगों च छड़ दिया, MSc डिग्री दे के, शल्य तंत्र दी डिग्री दे के उन्हां नूं छड़ दिए, लोगों के ऑपरेशन करन, 60 टाइप की सर्जरी कर, 60 टाइप की, जिसे प्लास्टिक सर्जरी भी है, जनरल सर्जरी भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनी है, यू नेम इट यू हैव, सब हर किस्म की सर्जरी करने की खुल दी गई है, जिड़ी कि लोगों की सेहत लिए, लोगों की सेहत में सीधा साधा खिलवाड़ करने वाली गल। तुसी किसी अनट्रेंड के बंदे या सैमी ट्रेंड बंदे कहो जा फलाने का ऑपरेशन करते गवर्नमेंट वो की पूरी पाएगा, ये तुसी समझ ही सकते। सर जिहड़े MSc तुहाडी हुंदी है, कोविड वैक्सीनेशन का पूरी तरह समर्थन कर रही है, बढ़ चढ़ के कोविड वैक्सीनेशन हिस्सा ले रहा है। दूजा IMA पंजाब एक प्रोजेक्ट रोटरी 3070 डिस्ट्रिक्ट के नाल रल के 1000 बच्चियों का अमृतसर के 8 साल को लेकर 14 साल दच्चिया सर्वाइकल बच्चेदारी के मूँह का कैंसर जोड़ा है वो वैक्सीनेशन अगले महीने में करेगी। तीजा साडा ही प्रोटेस्ट है थोड़ा जहा, वो हैगा अगेंस्ट मिक्सोपैथी कि जेडे ये गवर्नमेंट स्कूल बना रही है कि किसी भी होर स्पैशलाइजेशन का डॉक्टर जोड़ा है या 3 महीने का कोर्स करके तो वह सर्जन बन जाएगा तो 60 ऑपरेशन कर सकेगा। साड़ी ये इको दलील है कि हर स्पैशलिटी को अपने लैवल पर डिवेल्प करन दा, भावें एलोपैथी है, भावें आयुर्वैदिक है, होम्योपैथी है या होर स्पैशलिटीज़ है, इन्हों ना रलाओ, इस नाल आम बंदे की जान को खतरा हो सकता है। तो एक साडा अमृतसर पंजाब का एजेंडा हैगा कि असी कुछ गलत फहमियां डॉक्टर के लीजा के विच हो गई हैं जिंद असी बैटरमेंट लिए वर्क करांगे कि डॉक्टर के मरीज एक दूजे के साथी ने कट्ठे रल के चलन, डॉक्टर मरीजों का इलाज करन ते मरीज डॉक्टर के बीच। हाँ जी डॉक्टर साहब, इस बारे दसना जी प्रोग्राम बारे। हाँ जी, मैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह ग्रोवर, सैक्रेटरी IMA ब्रांच अमृतसर। अज असी सब तो पहला तो अपने डॉक्टर कुलदीप सिंह अरोड़ा जी ने बधाई देने लिए अपने आए हाँ, जिन्होंने कि स्टेट IMA का प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया, जिहड़े कि अमृतसर शहर वास्ते बहुत ही एक फखर की गल है। दूसरा सानू नैशनल IMA बॉडी ने इंस्ट्रक्शन दिती है कि 1 फरवरी तो लैके 14 फरवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की जाएगी मिक्सोपैथी के अगेंस्ट। जिमें कि तुम जानते हो, तुम खबर पढ़िया होगा, सरकार जो आयुष डॉक्टर्स ने उन्होंने शॉर्ट कोर्स करवा के सर्जरी का और एक सर्जन बनाने की कोशिश कर रही है। ये सानू अपने डॉक्टर भरावान अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट दैन तुम एक सोचो कि असी एक सर्जन बनने लिए 4-5 साल लग जाते हैं, तो कितने छोटा जहा कोर्स करा के उन्होंने सर्जन प्रोजेक्ट करना, ये अच्छी गल नहीं। दूसरा जो IMA का विजन है इस साल वो ये है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशन की इंप्रूवमेंट। तुम्हें देखा होगा कि जिस तरह अच्कल मरीजों को विश्वास नहीं है डॉक्टर, तो असी इस साल एक पूरी करा कोशिश करा एक ग्रीवेंसिस कमेटी बनावे कि जो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर से उस IMA को प्रमोट कर सकते हैं। डॉक्टर चलेगी 1 तो लैके 14 फरवरी 1 फरवरी टाइमिंग की होगा जी
ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਰਿਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਰਪਸ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ IMA ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਕਰ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ